बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िर ख़िदमत है नाज़रीने किराम। हमारे वजूद को जब भी कोई बीमारी लायक होती है तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि शिफा अल्लाह पाक की तरफ से है, मुसब्बब हकीकी अल्लाह पाक की ज़ात है। बाकी डॉक्टर हों या रूहानी इलाज, ये सब असबाब हैं और ये अल्लाह पाक के दरवाज़ा रहमत पर दस्तक देना है। लेकिन हमारे यहाँ कई लोगों को देखा है, बाज़ तो गुरबत की वजह से रूहानी इलाज की तरफ आते हैं कि शायद मुफ्त इलाज हो जाएगा, और बाज़ को ये देखा है कि वो सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं और अल्लाह पाक की तरफ रजू नहीं करते। जबकि हमारा दीन बड़ा बैलेंस दीन है, ये कहता है कि आप डॉक्टर के पास भी जाएँ और अल्लाह पाक की तरफ भी रजू करें। लकवा एक ऐसी बीमारी है जो आपके चेहरे के हुस्न को बिगाड़ देती है, आपसे बात करना मुश्किल हो जाती है और इंतहाई तकलीफ़ देह बीमारी है। जब कोई लकवे का शिकार हो जाए तो उसके लिए, उस मरीज़ के लिए पानी और जैतून के तेल पर आयत मुबारका सूरह बकरा की, कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस्समाए फ़ला नवल्लेन्ना का क़िबलतन तरदाहा फवल्ले वजह का शतर अलमस्जिदिल हराम, इसको 101 बार पढ़ कर दम करें, पानी पीने को दें और जो तेल है वो मुतासरा जानिब मलने के लिए सुबह शाम मालिश करें। उससे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जल्द लकवे की बीमारी से निजात मिल जाएगी और आप सेहत याब हो जाएंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।